हे एवरीवन, 7 फेब टू 14 फेब तक होता है वैलेंटाइंस वीक। तो इसी टॉपिक को लेकर आज की मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंडी एंड अमेजिंग से वैलेंटाइंस के गिफ्ट आइडियाज के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ। सो वेलकम टू ट्रेंड्स विद मीलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको वैलेंटाइंस वीक के डिफरेंट डे के अलग अलग गिफ्ट आइडियाज भी देखने को मिलेंगे, साथ में डिफरेंट ओकेजन पे आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अमेजिंग गिफ्ट आइडियाज देखते रहिए और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सभी गिफ्ट हैंपर्स आप कहां से परचेज कर सकते हैं, मैं ये भी लास्ट तक आपको वीडियो में कहीं भी बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और कौन सी गिफ्ट आइडियाज आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे मुझे आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में आपको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों से रिलेटेड गिफ्ट आइडियाज तो देखने को मिलेंगे ही। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने लवन को ही गिफ्ट कर सकते हैं, आप फैमिली में जिसके साथ भी वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं आप उनको भी ये गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे तो गिफ्ट दिल से दिया जाता है फ्रेंड्स, इसका कोई मोल भाव नहीं किया जाता है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है काफी ज्यादा ट्रेंडी एंड ब्यूटीफुल से गिफ्ट हैंपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप क्यों ना उस तरीके के ट्रेंडी गिफ्ट्स को आप परचेज कीजिए अपने लव वन को, चाहे आप जिनको भी ये प्रेजेंट करना चाहते हैं उनके लिए। तो इस तरह के आइडियाज को लेकर आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। 7 टू 14 फेब तक जो है बहुत सारे लोग जो है हॉलीडेज पे भी जाते हैं, अपने लव वन को गिफ्ट्स भी प्रेजेंट करते हैं, वैलेंटाइंस डे एंड वैलेंटाइंस वीक वो अपना जो है सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कई लोगों की जो है एनिवर्सरीज भी होती है, बर्थडेज भी हो जाते हैं और कई लोग जो है इसी सेम डे पे वेडिंग करना भी पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके की गिफ्ट आप उनको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहीं भी मार्केट में चल जाइए, चाहे किसी मॉल में, हर जगह आपको इस तरीके की जो है वैलेंटाइंस वीक के दौरान इस तरह के हैम्पर जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कई सारे ब्यूटीफुल से गिफ्ट हैम्पर आपको परचेज करने को मिल जाएंगे, साथ में आप उन्हें कस्टमाइज भी करा सकते हैं, उसमें अपनी तरफ से आप कुछ और गिफ्ट भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप गिफ्ट हैम्पर्स रेडी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सभी जो जितने भी गिफ्ट हैम्पर्स इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं, आप इन सबको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं वीडियो को देखते रहिए, मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाली हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स अपना खुद भी कस्टमाइज तरीके से गिफ्ट हैम्पर रेडी कर सकते हैं। इस तरह के बॉक्सेस आपको दिवाली वगैरह पर आपको मिल ही जाते होंगे, या कई बार हमें खुद भी गिफ्ट मिलते हैं। इस तरह के बॉक्सेस आप ले लीजिए और खुद ही अपने कस्टमाइज तरीके से अपने बजट के अकॉर्डिंग आप थोड़े गिफ्ट लीजिए, कुछ फ्लावर्स, कुछ चॉकलेट्स दीजिए या अपने लव वन की पसंद की कुछ चीजें, और इस तरीके से ब्यूटीफुल सा गिफ्ट हैम्पर आप रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बजट के एंड उनकी पसंद के अकॉर्डिंग गिफ्ट हैम्पर रेडी कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स, फ्लावर्स एंड उनकी पसंद की कुछ चीजें आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज करके और काफी अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर रेडी कीजिए और अपने जो वैलेंटाइंस वीक एंड वैलेंटाइंस डे को खास बना सकते हैं। कई लोग जो है वैलेंटाइंस वीक बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं कि अपने लव वन को क्या गिफ्ट करें। तो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है इस तरह के रिंग जो है प्रेजेंट करना। आप प्रपोज डे के दिन काफ़ी अच्छे से इस तरीके के केस में आप रिंग प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें प्रपोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके के शो पीसेस भी अपने लव वन को गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल इस तरह के शो पीसेस काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट हैं और मार्केट में काफ़ी अच्छे से अवेलेबल भी हैं। लड़कियों के लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, उनकी पसंद की ज्वेलरी से लेके ड्रेसेस और उनके एक्सेसरीज का सामान भी आप परचेज करके गिफ्ट कर सकते हैं। उनके अलावा आप उन्हें ग्रूमिंग प्रोडक्ट भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं, वो जो है उन्हें तुरंत के तुरंत यूज भी करेंगी और उनको ये एहसास भी होगा कि आपको उनका कितना ख्याल रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉयज़ के लिए गिफ्ट ऑप्शन की कमी है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एक्सेसरीज से लेकर उनके पसंदीदा परफ्यूम मार्केट में अवेलेबल है। इनके अलावा आप उन्हें शूज़ दे सकते हैं गिफ्ट में, इसके अलावा जो है आप उनकी पसंद की ड्रेस दे सकते हैं। एक्सेसरी आइटम्स के अलावा उनके भी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स ऑफ परफ्यूम्स, शेविंग किट, उनकी क्रीम्स और भी काफ़ी सारे हेयर प्रोडक्ट्स भी उनके लिए अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप उन्हें भी परचेज करके उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
पहले हम हर ओकेजन पे फ्रेंड्स खुद ही ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे या मार्केट से परचेज करके एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे, लेकिन आजकल जो है मोबाइल के ज़माने में ग्रीटिंग कार्ड्स का जो अस्तित्व है बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन वैलेंटाइंस डे या एनिवर्सरीज या बर्थडे के दौरान हम जो है इस तरीके के ग्रीटिंग कार्ड्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, चाहे तो अपने हाथों से ही भी बना सकते हैं और अपने जो है जिन्हें आप गिफ्ट करना चाहते हैं उन्हें जो है उसी गिफ्ट सैंपल में इस तरीके कार्ड डालकर उन्हें अपने प्यार का इजहार हम कर सकते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके कुछ खास मेमोरीज को आप पिक्चर फ्रेम में सजा कर इस तरीके से गिफ्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है। इस तरह के गिफ्ट से फ्रेंड्स आपकी जो मेमोरीज जो है बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा भी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव गिफ्ट भी लगता है। इन सभी के अलावा फ्रेंड्स काफ़ी सारे ब्यूटीफुल और ट्रेंडी एंड लेटेस्ट से गिफ्ट हैं पर आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखने को मिलेंगे, उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये सारे गिफ्ट हैं पर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इस तरह की सेलिंग ऐप में भी जाके परचेज कर सकते हैं। इनके ऐप के अलावा फ्रेंड्स जो है आप फेसबुक एंड इंस्टा स्टोर से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। इंस्टा स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के जो है हैम्पर्स अवेलेबल हैं, जिस तरह की ब्यूटीफुल सी एक्सेसरीज से लेकर आपको गिफ्ट हैम्पर्स तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इन्हें परचेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भी आजकल सेल परचेज का काफ़ी अच्छा जो है जरिया बन चुका है। लोग अपनी जो है प्रोडक्ट्स को इसमें सेल करते हैं और जिन्हें परचेज करना है वो यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए अपने लव वन को गिफ्ट करने के लिए। इन सभी गिफ्ट आइडियाज में से आपको कौन से गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगे मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अपने फीडबैक सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। इन सभी गिफ्ट के अलावा फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको और भी ट्रेंडी एंड यूनिक से गिफ्ट आइडियाज की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट करके उन्हें भी आप वॉच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, कैसे लगे अमेजिंग से गिफ्ट हैंपर्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को छोड़ के जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा एंड अगर किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।